गुरुदेव। पूरा यकीन और पूरा विश्वास सभी लोगों को रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम जिस सत्संग में उपस्थित हुए हैं वहां पर जीवात्माओं की रक्षा हुआ करती है। शरीर का संस्कार तो मेरा भी होगा, शरीर के लिए तो जब ये किराए का मकान खाली किया जाएगा तो ये भी आपको करना होगा और आपके शरीर का भी संस्कार। जहां जो नियम बना हुआ है उसे तो सबको करना ही है, नहीं तो शरीर जो है वो दुर्गंध और लाखों लोग उससे नुकसान उठाएंगे। शरीर का हर किसी का संस्कार जानवर पशु पंछी आदमी का यही जाता है और करना ही चाहिए।
ये शरीर किसी किस्म का है, इसमें पेट नहीं रखा, पांच लोगों मास का बना हुआ है, इसमें विशेषता एक अनुशक्ति जो जीवात्मा भगवान की अंश है वो इसमें है, और वो जब निकल निकाल दी जाती निकल जाती तो इसमें कुछ नहीं। ये तो दुर्गंध का एक खजाना है। तो जो जिस स्थान पर जो क्रिया है और जो नियम जो व्यवस्था बनी हुई है उसकी व्यवस्था संस्कार होना चाहिए। तो हम लोग हर बात का ध्यान हमेशा रखें, सेवा का भी रखें, ये नहीं कि दवा की आज जरूरत है तो हम भगवान पर छोड़ दें, तो भगवान करेगा, लेकिन हमको अपना काम कर्म करना चाहिए। इसलिए सब लोग सब बात पर ध्यान रखा करो, और बाकी ये सत्संग होता है जीवात्माओं की रक्षा का काम तो बराबर होता ही। अगर ऐसे स्थानों पर किसी की किराए का ये मकान खाली होता है और जीवात्मा की रक्षा नहीं हुई तो यहाँ आने का लाभ ही क्या होगा, क्या फायदा होगा ऐसे स्थानों पर जा। तो जीवात्माओं की रक्षा होती है और लोगों को उसका परिचय मिलता है, लोग जाने के पहले परिचय कर लेते हैं, जाने पर परिचय करते हैं, और उसके बाद जिनको जाने का पहले ही परिचय हो गया तो फिर जाने पर कोई बात नहीं। इसलिए ऐसा संबंध प्रगाढ़ और मजबूत और अधिक और अटल होता है कि इस संबंध को और दुनिया के सभी संबंध टूट जाएंगे, लेकिन परमार्थ का ये संबंध नहीं टूटता है। ये जब टूट जाता है तो सदा जुड़ाई रहता है, जब तक जीवात्मा शत्रु रूप में न पहुंच जाए तब तक भी बराबर संबंध जुड़ा रहेगा। ये बात संबंध जगत में होने के लिए बड़े ही प्रयास और बड़ी मेहनत बड़ी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, लेकिन जब जुड़ गया तो जुड़ गया, और जब वो जोड़ देते हैं संबंध जैसे भी होता वैसे किसी न किसी अवस्था में आपसे भगवान का भजन करा दिया जाएगा। जो कर्मों का जो बोझा अनेकों युगों और जन्मांतरों का जो रखा हुआ है वो भी धीरे से ही उतार दिया जाएगा। जिस अवस्था में भी रहोगे, महात्माओं ने हर तरह की अवस्थाओं को रखा कि जो आज भजन नहीं कर सकते हैं मटर गश्ती करते हैं, मटर गश्ती करते हैं कि हमको तो महाराज बन गए, हमको भजन करने की क्या जरूरत है, और बड़े पैसे वाले और वो पैसे के उस आराम कल्पी में भजन नहीं करते हैं तो दोबारा फिर उनको गरीबी में जन्म दिया जाएगा तो वहां दूर बैठ के भजन करेंगे, लेकिन भजन करा दिया जाएगा, भजन कराया जाएगा, इससे आपको दिक्कत है। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपकी चिंता की है वो अपने आप कर रहा और करेगा। तो अभी अच्छा है कि सामने भजन कर, बहुत अच्छा है, जिस तरह से भी वो अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ अभी सामने भजन कर लो, मेहनत कम और मजदूरी बहुत ज्यादा, परमार्थ का धन कम मेहनत पर मिल जाएगा और जल्दी रास्ता कट जाएगा, और बाद में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तब तुम कहोगे तो महात्मा इसीलिए बार बार जोर देते हैं कि सामने कर लो तो जल्दी काम बन जाए और जल्दी सफाई हो जाए और जल्दी रास्ता घर में कोई जाने में विघ्न बाधा खड़ा न करे। लेकिन यह है कि मकंगस्ती करते हैं कि हमको तो महाराज जी मिल गए, अब हमको क्या हमारी पर रक्षा हो जाएगी, समझ लो। इसको अच्छी तरह से भजन तो कराया जाएगा, क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि बिना भजन कर किए हुए उधर नहीं जा सकोगे, तो वो तो काम आपसे कराना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से रोके करो, चाहे गा के करो, चाहे हंसके करो, चाहे लेट के करो, चाहे टांगे ऊपर करके करो, लेकिन भजन तो करना ही होगा, तो बहुत जरूरी है। और वो भी सुगम सरल, देश के करो, बैठ के करो, खेत में करो, कल्याण में करो, सुबह करो, शाम को करो, स्नान मत करो, स्नान कर लो, गंगा जी के किनारे करो, जमुना जी के किनारे करो, मंदिर में करो, कहीं बैठ करके करो, लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन, जहां वो एकांत में बैठा हुआ है वो देवता
वही एकांत में बैठ करके भजन कर रहे हो। ये तो काम आपको करना ही है। हम तो हमेशा ये बात सुविधा की आराम की आपके सामने खड़ी करना चाहते हैं कि आराम से भजन हो जाए, सुविधा से भजन हो जाए, निर्विघ्न भजन हो जाए। तो आप वो ममता मत करो, चलने दो, जो निकल गया तो निकल गया। ये मत सोचो कि कोई चला गया तो मेरा क्या होगा, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो सब को तुम्हारा निश्चित अंतिम श्वास तक है रखा हुआ, उससे कोई कमी नहीं। केवल अपने समझने और बुद्धि ज्ञान की जरूरत है, उससे यदि आपने समझ लिया तो कोई चिंता की बात नहीं। भगवान ने सब चीजें पहले से ही सबके लिए जिनकी दू जलम सत्री लेप कर करके सब सामान बांध फूल करके जीवन का साफ पौधा आपके लिए रख दी, उसमें कोई गंभारी की बात नहीं है। बच्चा बच्चियों, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जिनका कोई चारा नहीं, लेकिन वो भी कपड़े पहनते हैं, शाम को खाना खाते, रात को सोते हैं, कोई बात नहीं। पशु और पक्षी को भी देखता है जिनका कोई सहारा नहीं, आप तो आदमी ज्ञानवान हो, समझते हो आगे पीछे वर्तमान का, तो आपको तो और भी चिंता नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ज्ञानवान हो। परमात्मा ने जो ये काल काया जो दिए है, जो जीवात्मा को बंद किया है शरीर को, आज भगवान का जीवात्मा शत्रु जो सतपुरुष से आई है वो भी सतपुरुष तपस्या की मानी थी, और तपस्या के एवज में हम लोग तमाम हुए और जीवात्माएं दे दी गई। और जब वो ले आए तमाम जीवात्माओं लोगों का भंडार, तो बिना जीवात्मा के कोई रचना नहीं होती। जब चेतन शक्ति होगी और जड़ता में जब मिला दी जाएगी तो रचना काम करेगी। बिना जीवात्मा के कोई भी रचना काम नहीं कर सकती किसी भी मंडल में। तो जीवात्माओं का भंडार मिलना बहुत जरूरी है, और बिना तपस्या के भंडार मिल नहीं सकता। तो तपस्या की गई है उसके एवज में ये भंडार वरदान में मान लिया गया है। लेकिन जब आपको दिया गया था तो ये कहा गया था कि संत भारत में हमेशा दुख दुख रहेंगे, वो बराबर जीवों की खबर रखेंगे और यहाँ का संदेशा हमारे पास बराबर पहुंचाते रहेंगे। वो बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन जीवों का सब संदेशा मुझको देंगे। वो मेरे दरबार के जासू यहाँ पर रहेंगे, और जब कभी जीव जब फंसा लिए जाएंगे तो फिर वही हमारे जानने वाले जो दरबार के दरबारी जासूस हैं, वो गया और उन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं, उनको मुकम्मल पूरी आजादी इस श्लोक में दया और महर करने की। जिस जीव को चाहे उसको बख्श दे, जिस जीव को चाहे उसको छुड़ा ले। मैं आपको एक बात मोटी समझा दू। एक महात्मा जी जंगल में रहते, मुझे भी उनके मिलने का बहुत दिन पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा जी अपनी कुटी में बैठे हुए सत्संग वार्तालाप कर रहे, अच्छे महात्मा थे, अंदरूनी उनको ज्ञान था, अंदरूनी दर्शन करते थे उस मालिक का। बैठ के सत्संग हो रहा था, उसी समय एक प्यार पागल आया, आकर के खड़ा हो गया और महात्मा जी की तरफ दरवाजे पर आया, फिर वो उठा करके देखा, ऐसे बहुत देर तक देखता रहा और बैठे बैठे हम लोग अपना सत्संग करते रहे। फिर धीरे से अंदर घुसा और कुटी का पैकरना लगा करके बाहर आया, दरवाजे पर खड़ा किया और सीधा फिर वो किया और ऐसे करके देखने लगा और धीरे से मैं अपना घुमाया और चला गया।
दूसरे दिन ठीक उसी समय पर उसी टाइम पर आया और ऐसे खाया गया और बहुत देर तक देखता रहा, कोई उससे बोला नहीं। और फिर अंदर आया, कुटी का परिक्रमा लगाया, दरवाजे पर खड़ा हुआ और फिर देखा और चला। और तीसरे दिन उसी समय पर उसका यही क्रम रहा। और जब चौथे दिन आया तो नदी के किनारे वही पर एकाएक गिर गया। उधर से सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज महाराज ये क्या हो गया, क्या हो गया, देखिए देखिए देखिए। बस उत्तर के बाहर आए तो चकरा रहा था। इस तरह से महात्मा जी ने उसको हाथ लगाया तो चटपटाना उसका बंद हो गया। और उन्होंने क्या काम किया कि उसके कान पकड़े और पांचों नामों को पूरा उन्होंने उद्देश्य सुनाया, पूरा भेद उसको सुनाया मौत के वक्त में। और भेद सुना करके बस वो छतरा रहा था, चुप हो गया और उसी अवस्था में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। महात्मा जी खड़े होकर के इतना रोए कि गांव के लोग लगभग 1 मील दूर थे, सब के सब इकट्ठे हो गए कि आज क्या हो गया, कि इतना जोर से रोए, क्या आफत आ गई। फिर बदला मंगवाया और उसके बाद में अचलन कफन मंगवाया जो मलमल का, उसको दान फूस करके और ठीक से उसको गड्ढा फूस करके और उसको गाड़ और फिर गए कुएं पर खूब नहाया, कपड़े बदले और फिर इतनी जोर से हंसे कि जितने रोने की आवाज उससे ज्यादा हंसने की आवाज। आज क्या हो गया, इतनी जोर से रोए और हंसे तो लोगों ने आपसे पूछा महाराज आप पहले रोए थे और हंसे इतनी जोर से, कर लगे बड़े बड़े ऋषि और मुनि और बड़े बड़े सिद्ध और साधु और तपस्वी और ज्ञानी पढ़ने लिखने वाले शास्त्रों से जो गति नहीं प्राप्त करते हैं वो उस गति में ये सीधा चला गया। ये देखिए निशाना होता है, पता नहीं किस जीव पर खुश हो जाए। लोगों ने पूछा आप रोए क्यों, अरे कह लगे मैंने ये सोचा कि इसके परिवार में तो कोई रोने वाला है नहीं, तो चलो मैं इसकी तरफ से रो लू। उसकी तरफ से रो लिया और उसको सीधा पहुंचा दिया। यह है महात्माओं की कृपा, क्या चीज दे दें, क्या उसको संस्कार दे दें, ये क्या किसी को मालूम होता है कि उसका देव क्या होगा। तो भारत में जब सृष्टि की अनाथ में रचना हुई, काल भगवान ने जीवों को तपस्या करके सबको से मांगा, सारा मसाला उनसे लिया, कारण सूक्ष्म लिंग और पूर्ण ये जितना मसाला सब वहीं से दिया गया था, या तो कुछ नहीं था, न वर्ग से न वैकुंठ से न ब्रह्मा से न विष्णु से न शिव से न ईश्वर से न ब्रह्म से न पार ब्रह्म से, यहाँ तो न जमीन थी न आसमान था न वेद थे न कुरान थे न पुराण थे, न हिंदू थे न मुसलमान थे न ईसाई थे न पारसी थे, न तुम थे न गंगा थी न जमुना थी, कुछ नहीं था। वो तो उसकी इच्छा से ये सब कुछ कहा थे, सब विद्या की गई, सारा भंडारण मसाला मांगा गया, वो मसाला दिया और फिर वो बहुत ही सिलसिले और तरतीब और तरतीब से उसने रचना का विस्तार सब जीवों को माना गया है। जब तक तो कोई बात नहीं थी, जीव यहाँ पर धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, सदाचारी थे, सत्यवादी थे, सेवा करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन जब समय बदला और कलयुग में बड़ा मलिन समय आया और सेंटर पर जब निशाना आया कि धार कहाँ पर काम करती है, उसी समय पर संतों का पदार्थ खोला और उन्होंने मालिक का पारा भी खोला ऊपर से और नीचे तक और नीचे से ऊपर तक सारा रहस्य वर्णन किया। तब ये पता चला है कि सब जीवों को इस कलयुग में ये अवसर मिला कि सब लोग पार जा सकते, मालिक का दर्शन विदान कर सकते, पति और पत्नी भी साधना कर सकती। पहले धर्म पुस्तकों में
पत्नियों को साधना करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कलयुग में विधान बदल गया और दोनों को अधिकार दे दिया गया कि तुम भी साधन करो, तुम भी और जल्दी से अपनी जीवात्मा को निर्मल करके और निकालो और अपने नाम धुनी को पकड़ो, नाम कमाई करो, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ दो और जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंचो। और ये गंगन में अद्भुत अद्भुत जो बातें, अद्भुत अद्भुत जो आरतियां हो रही हैं, घंटे और घड़ियाल बज रहे 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर जिसमानी मैजिक में उसको आसमानी सुनो, इतना मंगलमय गाना बजाना उसका हो रहा है और उसको सुन सुनकर तुम कितने मस्त हो जाओगे, कितने दीवाने हो जाओगे, इस दुनिया को उसकी मस्ती में उसके सुनने में बिल्कुल भूल जाओगे। पता ही नहीं है कोई आप पागल नहीं हो गया, लेकिन यह है कि जरा सी मस्ती चढ़ी उधर की और इधर का हो तो लोग उसको क्या कहते हैं, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या इसकी बुद्धि में हो गया, बुद्धि में नहीं हो गया, वो जरा सा नशा उसका थोड़ा सा बौछार के रूप में चला, बस उधरी से इधर से सब चीजें भूलने लगा। तो हम लोग कहते हैं कि पागल हो गया, जब धीरे से नशा उसका फम हजम हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा होता धीरे धीरे नशा अपनी जगह पर आ जाता है और वो जब नशा अपनी जगह पर आ जाएगा और फम तो फिर बुद्धि ज्ञान में काम करने लगे, भौतिक ज्ञान में। जीवात्मा पर तो नशा चढ़ता ही है, लेकिन हम लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि ये पागल हो गया, इंतजार करो, पागल नहीं हो गया, पागल की अवस्था में उसको मत भर्ती करो, बल्कि उसको इस अवस्था में भर्ती करो कि परमार्थ का इसके ऊपर में कोई वो क्लोरोफार्म कुछ नहीं, क्लोरोफार्म तो सुना दिया 10-15 मिनट नशा रहेगा, लेकिन ये ऐसा क्लोरोफार्म है कि जब ये सुनाया जाता है, जब ऊपर से उतरता है तो ऐसा होता है कि बदहोश कर देता, वो तो महात्मा रहते हैं तो बराबर कंट्रोल करते रहते हैं बदोबस्त, नहीं वरना तो अगर चढ़ जाए तो खत्म हो जाए, तब तो सभी लोग उठ करके भाग जाए कि ऐसा ऐसा नशा चढ़ा दिया जाता है कि वहां पर उतरता ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और महात्माओं के इतिहास को देखना चाहिए। तो घंटे घड़ियाल मामूली मस्ती है, ये मंदिर उसी के नमूने, इसीलिए ये बजाकर आपको बताया गया था कि इसमें बज रहा है, जरा सुनो तो इस शहर गांव में, अरे जैसे कुंज गली में जरा सुनकर के देखो कि क्या क्या गाने बजाने पड़े, उस प्रभु के 24 घंटे हर क्षण अद्भुत हो रहे हैं और जब वो बजने लगेंगे तो ये कुछ नहीं सुनाई देंगे, तो इतने जोर और शोर के साथ बजते हैं कि अगर तुम उधर चले गए तो वो सब आपको अपने में मिला लेंगे और फिर वो देवी और देवताओं की जो लीला और नाच और रंग वो नृत्य जो होता है डांस, वो ऐसा अद्भुत अद्भुत होता है कि नारद जब उधर चले गए तो उसी को देखते रह गए, उसी को देखते रह गए, ऐसा ऐसा नाच और नृत्य होता है। जब वो दृष्टि जब खुल जाती है तब ये सबको दिखाई दूर से ही देने लगता है और सागर उस दृश्य को देखकर बाग बाग और धन धन अपने को होने लगते हैं और हो जाते हैं ये आपको गोपनीय भगवान का भेद, ये रहस्यमयी उस खुदा का राज, ये जिस्मानी मैजिक में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा और वो गंदगी के जो पर्दे हैं मैलाई के वो धीरे से उतारे जा रहे हैं, मैल और गंदगी हटते ही खबर उस आलम का उस स्थिति का आपको मिलने लगेगा। यह है दशा आनंद
ज्ञान जो फकीरों और महात्माओं की हमेशा मिलता रहा है, ये तय है। लेकिन हम लोग इसको नहीं समझते हैं, दूर रहते हैं और महात्माओं के पास में जाए तो क्या क्या नहीं मिलता। सब कुछ महात्माओं के दरबार में होता है, सब कुछ दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो उनके पास नहीं होती। लेकिन लेने का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, रास्ता नहीं लेने का, कहीं सब कुछ ले सकते हो। लोग ऐसा सोचते हैं कि डंडा मार के दिया जाए, डंडा तो वो नहीं मिलता। वो ऐसा नहीं कि डंडा मार करके ले लो, डंडा मार देते तो घर में भी कोई चीज बाहर की नहीं दे सकते। तो वो तो वो चीज है, सब चीजें उनके दरबार में महात्माओं के रही हमेशा मिलती रही। जब जरूरत इस मंदिर में बैठकर अनंत अनंत सुखियों को सुनो, अनंत बांसुरियां भिन्न भिन्न तरह तरह की बज रही, उनको सुन सुन करके तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। मृत्यु की बात तो छोड़ दीजिए, देवी और देवता मोहित हो जाते हैं। जब ये जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर जब चिंताव करके और ज्ञान चक्षु दिग्नेत्र शिवनेत्र खोलती है तो देखती है कि इसके स्वागत के लिए बड़े बड़े विधान मरियों के हीरे की क्या तारीफ, उस रोशनी की क्या आपको महिमा बताऊं, ऐसे ऐसे विशाल कारीगरियों के कारीगरी को यहां कोई बनाने वाला है ही नहीं, ऐसे देवी और देवता स्वागत के लिए इस रूह और जीवात्मा के लिए दरवाजों पर खड़े, जगह जगह बड़े बड़े जय जयकार विशाल दरवाजे कारीगरी और रोशनियों से भरपूर सुसज्जित कोविड किए हुए। जब ये इधर से रूह और जीवात्माएं उधर में जाती हैं तब इनका स्वागत होता है और आप यहाँ जरा जरा से स्वागत। ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर, ये काफी शहर क्या है, पूरा कचरा, काफी शहर तो मलमूत्र में नालियों में बैठा है, उधर मलमूत्र का नाम नहीं। ऐसे ऐसे शहर मलमूत्र और बालू का कहीं कण भी दिखाई नहीं देता है। जब उन शहरों में उधर में आप बराबर कीजिए, बड़े बड़े शहर देखते 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 आपके कितने दुख बीत जाए तब भी उन शहरों को आप नहीं देख सकते हो। ऐसे ऐसे कारीगरियों के शहर और कितने इतने बड़े बड़े बाग और बगीचे की सारी दुनिया को एक छोटे से बाग और बगीचे में भर लीजिए तो कुछ नहीं है। ऐसे बाग बगीचे और वो अंगूर और गुच्छे और वो सेब और वो नाशपातियां, वो क्या है बड़ी और क्या लगी इस समझती और समझती कि सूरज और चांद भी तुम्हारे अरबों और खरबों लज्जित हो जाए। ये खजाना उस सतपुरुष ने आपके लिए सर से ही भरकर रखा था, फकीरों और महात्माओं को उसने सर से आज में ही तुम्हारे लिए भेज दिया था कि जब जरूरत होगी तब वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो तुम्हारी देखभाल संभाल मिन्नत और प्रार्थना तुम्हारे दुख और दर्द को सुनने वाले वहां पर रहेंगे। नहीं तो जीवों के साथ ये कर्मों के बंधनों में जो बांध दी गई इनकी क्षमा और माफी तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर तो उनके यहां न्याय है, इनको सजा मिलती रहेगी, न इनको मुक्ति मिलेगी, न इनको मोक्ष मिलेगी, न जन्म और मरण से बचेंगे। ये तो अगर वास्तव में माफी का तख्ता इस काल देश में मृत्युग में तो केवल सबको और फकीरों को है और माफी का तख्ता किसी के पास नहीं। चाहे बात कर दे, चाहे जितने भी कर्म किए हो, अनेकों अत्याय किए हो, जानवर मारे हो, पशु पंछी मारे हो, आदमियों को मारा हो, गरीबों को मारा हो, लेकिन अगर माफ में माफ कर दे तो माफी हो जाएगी और कोई भी माफ कर सकता। जितने विधान बनाया वो भी नहीं माफ कर सकते। ये तो माफी का जो दर्जा और माफी का स्थान तो केवल फकीरों संतों को दिया गया है और ये उसके दरबार के दरबारी होते हैं।
जो रोज उसके दरबार में हाजिरी देते हैं और वहां के संदेशे को जाकर यहाँ देते यहाँ का संदेशा वहां देते हैं, रोज हाजिरी दिया करते उसके दरबार में, उनको संत और फकीर कहते। ऐसे संतों और फकीरों के ऊपर उस सतपुरुष की कितनी मेहर और दया और उन संतों और फकीरों को कितना अधिकार होता है, ये किसी को क्या मालूम। और जाएगा जब उधर जाएंगे तभी समझ में आएगा यहाँ कितना अधिकार होता है, बिना आए खुले हुए, बिना जगे हुए, बिना उधर गए हुए, बिना रास्ता देखे हुए, बिना रोशनी और नूर पाए हुए, बिना मणि को जगाए हुए आप क्या जान सकते हो संतों और महात्माओं को। उनको बाहर से देखोगे काला सावना बुरा उनके चमड़े को तो क्या जान सकोगे, अंदर क्या रखा होगा, उधर देखो क्या है, कितने कितने शहर उसमें, ये सारी दुनिया सब उठाकर इससे कितना बड़ा स्वर्ग, ये सारा विश्व एक सुई के नाते के बराबर स्वर्ग में रख दिया जाए कितना बड़ा स्वर्ग हो, और स्वर्ग लोग से बड़ा वैकुंठ हो, और वैकुंठ से बड़ा बहुत बड़ा शक्ति हो, और शक्ति से बड़ा बहुत बड़ा ईश्वर हो, और उसके बड़े 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 ब्रह्मांड जहां की ऐसी अद्भुत और उससे न मालूम कितना था कौन ब्रह्मांड है, आपको क्या इसका ज्ञान। यहाँ तो किताबें देखते हो कागज के ऊपर में कुछ नहीं रहता, क्या ज्ञान आपको रह गए तो आपने क्षणिक नाश होने वाला ज्ञान इतने दिनों के मेहनत करने के बाद वो भी पूरा नहीं जान पाया। नकल की है आपने हर चीज में, डाकी में नकल की, बैंकी में नकल की, और आपने अंग्रेजी में नकल की, संस्कृत में नकल की, उर्दू में नकल की और फारसी में नकल की, और नकल करके सब ज्यादा नंबर बहुत ज्यादा 55 पाए, 50 45 पाए, कभी कुछ नहीं नकल कर, कभी मास्टर को छुरा दिखाया, कभी अध्यापक को दिखाया, कभी प्रिंसिपल को दिखाया, कभी वाइस चांसलर को और दिखाया, नकल उन्हें ज्ञान, और ज्ञान भी तो ज्ञान नहीं पाया, अगर बुद्धि का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते तब भी है, और ये ज्ञान इतना है जहाँ मन को खोना है, जहाँ बुद्धि को खोना, जहाँ चित्त को खोना, जहाँ काम को खोना, जहाँ क्रोध को खोना, जहाँ लोभ को खोना और अहंकार को खत्म करना है, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये जो कर्मों का अपमान इसको जलाना तब ये ज्ञान। बच्चा अभी तो आप इस ज्ञान में जरा भी नहीं आए हैं तो ये आपको कैसे मिल जाएगा, ये सूरज का चीज है कुछ नहीं, ये उस सूरज का ये तो प्रतिबिंब है, उस सूरज का ये प्रतिबिंब है छाया, ये सूरज नहीं है, सूरज कहीं अलग है और उसका प्रतिबिंब पड़ता है और उस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब है, ये था जब ये प्रतिबिंब आपने देखा होगा कि एक शीशे को लीजिए और ऐसे कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रतिबिंब चला जाता है, रोशनी हो जाती है, वो सूरज कहीं उसका प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब है, यही चंद्रमा और तारा ग्रहों का इतना बड़ा मंडल है कि उस तारा ग्रहों का प्रतिबिंब एक आकाश पर पड़ता है और उस आकाश का प्रतिबिंब दूसरे आकाश पर तब आपको दिखाई देता है। आपको वो लोग क्या पता चलेंगे बच्चा, आपको कुछ जान नहीं पता, सुनने के लिए तो आए नहीं और रहने के लिए आए, हम क्या सुनाए आपको, हम तो धीरे धीरे कुछ देने और सुनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आपको सहरगाह में ले जाएंगे और ले चलेंगे आपको उधर, तब आपको पता चलेगा ये क्या है। तो अभी तो सहरगाह में उन लोगों में जाने की तैयारी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, कि धटक के पटक के भगा के दौड़ा के इधर से उधर से और हर तरह से आपको क्या कर दिया जा, और राज भगवान का मालूम है नहीं, लेकिन अब क्या करें, अब तो फंस गए, फंसा लीजिए। देखो सीधी बात को हमारी समझ लो, एक पंडित जी जा रहे थे जंगल, चलते 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 रास्ते में एक आदमी मिला
उधर से आ रहा था जामुन खाता हुआ, बड़ी बड़ी जामुन। पंडित जी ने बोला कि अरे भाई तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा माँ हो गया है लाल। अरे कह लगे पंडित जी क्या बताए, ऐसी जामुन रसगुल्ला है कि अगर खाइए तो क्या है भाई काम लेगी। कह लगे कि आगे चले जाइएगा कोई पेड़ मिलेगा तो आप वहां ऊपर और नीचे देख लेना, बहुत सी गिरी मिलेगी, और ज्यादा खाना हो तो चढ़ जाना ऊपर हिला देना। पंडित जी यही सोचते समझते चले गए, चलते 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 एक पेड़ मिल गया। तो गुबरीला एक जानवर होता है कीड़ा काला का, तो गोबर इकट्ठा किया करता है गोल। तो पंडित जी ने सोचा कि यही है जामुन। तो गुबरीले को जब वो पकड़ने लगे कीड़े को तो चू चू करने लगा। तो पंडित जी कहते हैं कि देख चू करे या मुंह करे काले काले को एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चू करे या मुंह करे काले काले को एक को भी नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो आप। तो बच्चा कहीं फंस गए तो चाहे चुप करो चाहे मुंह करो निकलना मुश्किल है, समझ लीजिए। और निकल नहीं सकते आप। अभी क्या हुआ, अभी तो ऐसा जाल तैयार कर रहा हूं छोटा बड़ा पांच किस्म का, दो किस्म का नहीं पांच किस्म का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ये सब मछलियां फंस जाएंगी। आप घबराइएगा नहीं, ऐसा जाल तैयार किया जा रहा है तो निकलना होगी। और ये मैं अभी भेद की बात बताऊंगा नहीं, अभी तो जाल गंगा रेती पर जहां पर काशी विश्वनाथ इस समय पर विराजमान है, 11 दिन तक जाल बनाया जा रहा, जाल तैयार किया जा रहा और अभी तैयार हुआ जाता है। घबराइए नहीं, फिर देखिए जब जाल फेंका जाएगा तो देखिए, मैं तो आपको दिखाई दूंगा उसमें क्या बात है। हमारी तो आपके सामने ही है, आपको वो क्या पता चलेगा क्या मालूम होगा। लेकिन ये भी कहो कि भगवान की उस खुदा की और उस अल्लाह ताला की उस परम पिता उस प्रभु की अनामी पुरुष की एक अनामी एक अभी अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा उसकी आपके ऊपर दया हो रही है। और वो वक्त और समय उन्हीं की कृपा से उन्हीं की दया से ये बता हुआ आपके सामने चला और हो जाएगी दया। प्रार्थना भक्तों की कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो सच्चे हृदय से अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके लिए उनकी भक्तों की प्रार्थना भगवान हमेशा मान लेते। इतना इसलिए होता है भगवान का भक्तों के साथ कि भक्त होते आए भगवान भक्तों के वश में होते आए, ये कहावत कोई मिथ्या नहीं है, सत्य जो सत्य है। और भगवान कितने दयालु और कितने भक्तों के वश होते हैं कि भक्त पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उनका हाथ नीचे होता है और कैसा हाथ पड़ता है जो रुई से भी ज्यादा कोमल कि ताकि हमारे भक्त को कोई कष्ट न हो। और वे चले जाते हैं आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भगवान की पीछे 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 रहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते, पीछे पीछे वो आगे चले जा रहे पीछे। और जब जरूरत होती है तो फौरन दुनिया को भक्त बत्तर बनकर के दुनिया को फंसे दे। यह है भगवान का प्रण, भगवान की टेक, भगवान का काम, भगवान का परिचय। तो जो होता है तो आत्माओं के लिए होता है। बहुत अच्छा हुआ तो घड़ी आई, महान सौभाग्य प्राप्त हुआ नवजारी बच्चे बच्चियों को, बच्चे भी आए उनमें भी उत्सुकता आई, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उनमें भी भाव, बड़े जवान बूढ़े अनपढ़ पढ़े लिखे सबको ये अवसर सौभाग्य।
और उसी प्रकार का सभी लोग लाभ उठा रहे। तो आप अपने शहरों में, अपने देशों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में पहुंचे और मित्रों का मिलाप देखे, बड़ा मिलाप, कैसा मित्रों का मिलाप होता है, रूहें किस तरह से आपस में मिलती है और रूहें क्या क्या खाती है, जीवात्माएं किस तरह से परस्पर प्रेम करती है और जीवात्माओं को प्रेम का तीन दृश्य देखे आप उधर चलकर, तब आपको मालूम होगा। इसलिए बाबा जी बराबर इशारा करते हुए दिन आएगा, एक समय आएगा और वो कैसा होगा जब लोग बैठ जाएंगे नरमारी गांववासी दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा करेंगे, आग बंद कर लेंगे, ये आग खुली होगी और सीधे ऊपर की तरफ चल रहे और ऊपर स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंच करके ब्रह्मा और विष्णु और शिव का साक्षात्कार रोज करेंगे और लौट करके आ जाएंगे और वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव कितने सुंदर है, वो उनका जब दर्शन होगा तो कितने सुंदर है, ये तो आपको अभी कुछ मालूम है। और लौट के आओ और दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा और रात को फिर निकल जाओ ऊपर और वहां पर किस तरह से स्वर्ग भूमि पर स्वर्ग लोक में वहां देवी देवताओं के साथ क्या व्यवहार होता है, ये तो स्वागत सुगम राह से उसे देखते हैं, खाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, उसकी ये सब सामान तैयार हो रहा है। आप लोग ऊपर चलने की जल्दी चेष्टा करो, इच्छा करो और धारणा बनाओ, कामना बनाओ, सब को भूख लगे, प्यास लगे, ये तो थोड़ा बहुत आपसे आना ही चाहिए। आज नामदान होगा, गोपनीय भगवान का घर में बैठकर कर लो, वही दो मिनट चार मिनट दस मिनट आप की सच्ची कमाई का धन जमा हो जाएगा, वही आपके काम आएगा। जो नाम की कमाई कर लेते हैं, नाम को जगाते हैं, नाम के साथ सूरत को जोड़ देते हैं, वही अमर पद प्राप्त कर देते हैं। जिनको नाम का भेद मालूम नहीं, नाम धन जानते नहीं कि नाम क्या चीज है, वो जीवन में खाली करेगा, खाली मत जाओ, आए हो खाली भरे हुए जाओ, ऐसे छकड़े भरो कि जब जाने लगना तो कुछ फेंकते भी जाना और भी लूट ले, ऐसी दौलत संपत्ति परमार्थ की उसकी जमा करके और फेंकते भी जाओ, हजारों लाखों करोड़ों सहित हो जाए और वो कुछ आपको भी मिल जाए उनसे, ऐसा सब कमा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इसी मनुष्य शरीर की महिमा और मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा माना जाता है। तो नामदान आपको मिल जाएगा आज कल का, नामदान लेकर के लोग घर में चुपचाप न बैठ जाए, शराब और ताड़ी को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मांस मछली अंडे ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। महात्माओं ने कह दिया है कि जब तक अपने घर में न पहुंच जाओ, सच्चा रास्ता न मिल जाए, सच्चा बताने वाला न मिल जाए, एक नहीं एक हजार आपको राह बताने वाले जब तक न मिले तब तक एक हजार एक, और जब सही जगह पर पहुंच जाओ
तो अपना जो कुछ भी हो सब कुछ उसको हवाले कर दो, दे दो अपना जो अपने पास में हो और उसकी चीज उससे लेकर के और जल्दी से अपना काम करो। इसमें कोई दोष नहीं, किसी तरह का भी कोई दोष नहीं किसी को। भगवान के पाने के लिए कोई दोष नहीं रहता, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं उनको कोई पाप नहीं करता, जो भगवान की इच्छा करते हैं उनको पाने के लिए पाप कट जाया करता, पाप लगता नहीं है। ऐसा आपको किसी ने बहका दिया हो अज्ञानता से वो तो बात अलग है, 17-23 का निदान है कि उन्होंने किस तरह से ज्ञान दोष कितने दिन पाप गए और जब अंत में वो मिल गए तो सब कुछ उनमें समर्पण कर दिया और फिर 17-23 में अपनी वस्तु को प्राप्त किया। ऐसी बहुत सी नजीरें और मिसालें भारत वर्ष में हम लोगों के लिए है, लोग नहीं समझते। मुसलमान भाई ऐसा समझते हैं कि हमको मुसलमान ही मिलना चाहिए, हिंदू ऐसा समझते हैं कि हमको हिंदू ही मिलना चाहिए और जातियों के लोग ये समझते हैं कि मुझको मेरी जाति का ही मिलना चाहिए। तो आप तो कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर पूछते हो, वो तो जसवंती थे, और राम का मंदिर बनाकर जो पूछते हो आपको ब्राह्मण है वो क्षत्रिय थे। आपको तो ये बात कुछ मालूम नहीं है कि बैठ खोल दे, ईसा मसीह खोल दे और उसको समय पर मोहम्मद खोल दे, मोहम्मद तो कोई मुसलमान दे रहे। मीराबाई चतरानी थी तो रैदास की कौन वरण में थे ये तो आप जाने, कबीरदास जी कौन से कपड़े जुलाए थे, तरह तरह के समय समय पर आपने मंदिर बना रखे हैं, वो किसी भी जाति और किसी कैद खाने में नहीं। उस भगवान को कोई बांध नहीं सकता है कि तुम मेरी जाति में रहोगे, वो किसी भी मनुष्य को करा सकता है जो निर्मल हो गया उसी पर बैठ जाए, वो क्या को बंधन आपने उसको बंधन में रखा है इसलिए आप उससे दूर हो गए हो, बंधन निर्बंधन बनो। भगवान की तरफ से कोई जाति नहीं, भगवान की तरफ से कोई नामकरण संस्कार नहीं, भगवान की तरफ से कोई विद्यालय नहीं, ये सब विद्या विद्यालय हमने बनाए संसार की बुद्धि के विकास के लिए और संसार की वस्तुओं को याद कराने के लिए। उसमें कोई रिश्तेदार नहीं बनाए और उससे कोई पति और पत्नी का संबंध नहीं, ये सामने देना। भगवान की तरफ से कोई झगड़ा आपको नहीं दिया, ये कोई झगड़ा आपने अपने आनंद के लिए आपने खुद बना लिया और बता लिया और उसमें आप थक गए और रोते हो झगड़ते हो, तो आपको तो ये बात सोचनी है कि क्यों किसी से लड़ते झगड़ते हो, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान न कोई ईसाई, ये बना ये है और ये है, कब्रिस्तान में ये राख कर दिए, वो दफना दिए गए, उनको हुए या और कहीं डाल दिया गया, ये तो सबकी अवस्था है आनंद का, उसकी तरफ से कुछ नहीं। जिसमें तो ये है हार मास्ता उसको इस तरह से नाश करा दिया, तुम जात पात को कुछ नहीं, जात पात जो खोएगा वो हरि को पाएगा, जात पात के बंधन में फंसेगा उसको कभी भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी अपनी जगह पर रहो, मैं ये थोड़ी कहता हूं कि आपको चौकों को रोटी बनाया जाए, अपना बनाओ अपना खाओ। एक मुसलमान थे, दो दोस्तों 20 साल तक कभी नहीं मिले, बड़ी दोस्ती थी बचपन में उनकी, एक दूसरे के साथ रहते थे और जब कभी भी चैन नहीं पड़ती थी, 4-4 मील उधर जाना उधर जाना, बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा समय आया मिलना जुलना उनका बंद हो गया और 20 साल तक नहीं मिले। एक दोस्त पर कुछ गर्दी आई, उसने सोचा कि चलो अपने बहुत दिन हो गए अपने दोस्त से नहीं मिले, तो गरीब बेचारा जो अपने दोस्त से मिलने के लिए जब गया, 4 ही मील उसका घर था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन 20 साल से नहीं मिले, तो दोस्त जो है वो हक्का पी रहा था। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि वालेकुम सलाम, तो वो जो हक्का पी रहे थे कहते हैं ये रखा है हक्का, ये रखा है हक्का, वालेकुम सलाम, ये रखा है हक्का,
चले वो आपके बाल बच्चे राजी खुशी, तो वो मित्र कहता है कि तुम्हारे जाने जियो या मरो, अपना अपना भरो और पियो, अपना अपना होता भरो और पियो, जो मैं पीता हूं वो मैं आपको नहीं दे सकता, ये दूसरा होता रखा है अपना भरो और पियो, तुम्हारे जाने बाल बच्चे जियो और मरे। तो ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, ये बड़ी मतलब की है, बड़ी स्वार्थी है, आपको ये पता नहीं है, एक मिनट में धोखा दे दी। ये ऐसी धोखे बाज है स्वार्थ, मीत सकल जगमाही स्वप्न एक परमार्थ नहीं। ये ऐसी स्वार्थ की दुनिया है कि जरा भी कहीं भी दोस्त नजर नहीं आते और परमार्थ का तो नाम नहीं। सारा संसार तो ये देखा कि धोखा देता और उसी धोखे के लिए आपको धंधा से हो जाएगा, परमार्थ का नाम नहीं है। तुमको तो उन्होंने फंसा करके बाजार में छोड़ दिया, अब तुम किला रहे रो रहे हो, परमार्थ की कहां बात, परमार्थ तो उनके साथ मिलेगा। जिनका प्रेम, जिनका इश्क, जिनकी लगन, जिनकी मोहब्बत, जिनकी आखनाई उससे हो गई, उनके पास में परमार्थ मिलेगा, वहां स्वार्थ। तो स्वार्थ रस परमार्थ विरोधी, लंपट काम लो बच्चों, बड़े कामी है, बड़े क्रोधी है, बड़े झूठे हैं, और स्वार्थ में रथ है। दो विश्व गुरु संत्र माने आप गए पापा ने खा, आप तो नरकों ने चौरासी में जा ही रहे हैं, लेकिन वो सज्जनों को, विज्ञानों को और महात्माओं को बिल्कुल नहीं मानते। तो बताइए करें मेरे बस द्रोह करावा सब संग हर कथा मोह के बच होकर के वो सब से जो हित कर अनेकता सर, हित करने वाले से भी बैर और अनहित करने वाले से तो बैर रहना ही है। तो कैसी भारत की प्रणाली, भारतवर्ष में मानव मानव के अंदर में इस समय भंडार कर, ये धोखेबाज दुनिया है, कहीं चल गए हर कर हरण हो गया तुम्हारा, तो सारे जीवन रोते रहोगे, महात्मा ही इसे निकालेंगे और कोई निकाल नहीं सकता। जो उससे भी ज्यादा बाहर इस धरती पर गंगा तट, काशी संग मेरे गंगा तट पर, इस धरती पर, इस बालका की रेती पर इतना आदमी आएगा जो काशी के इतिहास में नहीं आया। यह है गंगा धरती, ये सर्व लगा हुआ है सर, अपने धर्म का, आध्यात्मिकता का ये सर्व लगा हुआ है, सर्व मनाया जा रहा इस स्थान पर, इस जन समुदाय और जनता जनार्दन भगवान की इन आत्माओं को देखिए, ये पर्व हो रहा भरद्वाज मूर्खते प्रयागा। उस समय पर चंद ही लोग भरद्वाज में गए थे जहां राम का अनुवाद किया गया था, इसने बताया गया था वहां कुंभ लग गया, हाँ कुंभ से भी बड़ा इस समय पर ये कुंभ जनता जनार्दन भगवान की आत्माओं का विशुद्ध और पवित्र के समय आपके सामने दिखाई दे रहा। इसलिए सारी जनता जनार्दन समझ गई थी, लोगों ने सोचा था कि बच्चियों को छेड़ेंगे और बच्चियों को छेड़ने के बाद में बड़ा भारी चारों तरफ एक हल्ला होगा कि गंगा रेती पर
जिस किसी की बच्चियां जाएंगी वो वहां पर छोड़ी जाएंगी। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि काशी विश्वनाथ गंगोले ने पहले ही कई इंतजाम कर दिया, किसी की बच्चियां देवी नहीं छोड़ी जा सकती है। यही तो ये खेल है जो लोग सोचते थे कि हम अपनी बुराई को गंगोले हरियर के नाम से दादा जी को गंगा में तीसरे ला देंगे, ये हवाबाजी चलने वाली एक दिन है। जिस बंदोले को 11 दिन तक यहाँ पर रखा गया है, जिनके सत्र पर इतने बड़े जनसमुदाय को यहाँ पर लाया गया और जो बंदोले यहाँ पर उपस्थित है और जिनकी घोषणा भी अब तक बंदोले शंकर जी की लगी हुई, वह ये कहा गया था कि हरियर बनने पर वह सब लोगों को मांग रखती है। वो लोग सोचते थे कि भारत में गंगा जी के किनारे कोई आदमी नहीं आएगा, अभी आपने क्या देखा आदमी। लेकिन आपने अपने सुकर्मों को छुपाने की भारत पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये सुकर्म छुपने वाले नहीं। आप बच्चे और बच्चियों को जरा खेल करते तो आप देख ले इस मैदान में, तो आपको पता चल जाएगा। आप अपनी बातों पर अच्छा आइए नहाइए, तभी तो सुनी के पर्व में अपने बातों को धोइए, अपनी बुद्धि को धोइए, अपने मन को धोइए, जो बोझा लगा हुआ है उसको उतारिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण कीजिए। ये पर्व लगा रखा है आपके लिए भी, अब तो आपके लिए धोने के लिए ऐसा साबुन भगवान का लेकर बैठे हुए हैं कि रगड़ा मारेंगे तो तुम सब पाप हो जाओ। हमने अपनी तरफ से कोई भाग और विभाजन नहीं किया है कि तुमसे घृणा करते हैं, आओ आकर सब मिलजुल कर इसमें स्नान करें। ये तो यह है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 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 हम ऐसे करके ऐसा कर देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। गांव की देवियां, गांव की बच्चियां, शहरों की बच्चियां, देवियां सब इस मैदान में आए, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम देख लेंगे खेलने वालों को। कानून अपनी रक्षा करेगा, भगवान अपना काम करेगा, हम किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते हैं, ना हम मुसलमान की पूजा में, न हिंदुओं की पूजा में, न गंगा की पूजा में, न विष्णु की पूजा में, न देवी की पूजा में, न ईसाइयों की पूजा में, हम किसी की पूजा में कोई खलल नहीं डालते, किसी की कोई बुराई नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान ने आपको वैसी बुद्धि दी है, आप वैसी पूजा कीजिए, भगवान आपको भी सब बुद्धि दे, आपका भी दिल दिमाग साफ रहे और आप भी सच्चे मालिक की इबादत करने लगे, सच्चे भगवान की पूजा करने लगे। हम तो सबके लिए कामना करते हैं और आप सोचते हो कि एक कर्म में लोग स्नान न करें, ये कैसे हो सकता है। ये तो भगवान का पर्व लगा हुआ, बाबा तो एक आदमी है, हम तो उसकी आपको बात सुनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो सब लोग घर करो, हम तो घर की बात करते हैं, ये एक भी बात सुनने वाली नहीं। जन जन की जवान पर जब जय गुरुदेव भगवान का, प्रभु का, खुदा का, अल्लाह ताला का, पर्व सच्ची मान का, उस हमारी पुरुष का ये नाम है। जन जन की जवान खुदा का सच्चा आनंद तुम कर्म धर्म अपना भुलाए, गुरु को यही रास्ता बताएगा। ये सब इस तरह की कोई बात नहीं, आपको सबसे नमन, हर किसी को सुख आकर कम से कम नजदीक में आकर के कि बाबा जी कितना और किसको प्यार करता है। अगर बाबा जी प्यार प्रभु का इनको न मिलता होता तो यहाँ पानी में और ऐसी जगह पर यहाँ खड़े रहते, और एक दिन की बात को छोड़ दीजिए, ये तो आप देख रहे हो कि लगभग 2 महीने हो रहा है, ये हालत देखते हो तो आपको तो कुछ सोचना ही चाहिए। यहाँ बालू का कर्ज तैयार किया जा रहा है, आइटम क्या है उसके सामने
जरा तैयार से हो जाने दीजिए, और जब इनको बांध करके भेजा जाएगा तो करामात तो भजन की तब पता चलेगी। टावर है वहां पर भगवान का वो रामदान गोपनीय मिलेगा, और आप जो भी चाहे वो नारी जो भी देवी पुरुष चाहेंगे वो वहां पर। अभी तो आपके चार दिन के ये कार्य है, कल दो दिन तो हो गया था, आज है तीसरा दिन, क्योंकि कल किसी ने रात को आकर के खबर दी कि हमने एक सड़क चलता फिरता हमने देखा वहां समाधि पर, एक सड़क चलता फिरता देखा, ये किसी ने दिया मैंने तो नहीं देखा, लेकिन किसी ने कहा। तो दूसरी बात यह है कि बीच में जब डाले तो सूरत की तरफ वो कौन सा उधर, और आज किसी ने बताया है कि पश्चिम के यज्ञशाला में जहां पर नवग्रह का कार्यक्रम हो रहा है उस यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, तो विद्वान तरह का कहते हैं कि शिवजी विराजमान है। अब देश भूषा कोई भी हो बेचता हमको क्या है, बूथ कई देशों में रहता है, हिंद रहते हैं, पिताक रहते हैं, ये रहते हैं, देश रहते हैं, वो रहते हैं, बहुत रहते हैं। अब इसके लिए कोई क्या कहेगा, ओ रामानी क्या होता है, पहले बीच में फिर इधर पूरा, और अब पश्चिम में चले गए, अब पता नहीं चले गए, और उधर की खबर तो ये मिली। अब हम खबर सुनते हैं, हमको तो उधर जाने भी नहीं देते, न उधर भागने थे और न उधर भागने थे, पैदल चले तो निकल नहीं सकते, बड़ा मेरे लिए मुश्किल है, नहीं तो हमको मतलब आपको सामने ही बात दिखाए चलते, लेकिन हमको लोगों ने बताया कि ऐसा मतलब ये कि देखा गया कि भैया चुप रहो अभी, अभी मतलब ये जरा बोले नहीं, जो नामदान लेंगे और सुने नहीं उधर जाकर, अभी मैं पहुंचूंगा यहाँ टावर के पास पहुंचूंगा, और आज सबसे डर उधर जाएंगे गंगा जी के किनारे, और कपड़े को भिगो कर, और काशी विश्वनाथ हरिहर शंकर जी के चारों तरफ जल छिड़केंगे। आज सबके सब खड़े हो जाइए, जाने जाने के नामदान उधर,